असलम वेलकम टू बियोलॉजिकल कॉन्सेप्टे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर नेक्स्ट फायलम दैट इज द फायलम प्लेटी हेलमेंसिस एंड द क्लास टर्बुल एरिया दैट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द फायलम प्लेटी हेलमेंसिस फर्स्ट ऑफ आल हम डिस्कस करेंगे इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस फाइल में हमारे पास टोटल ट्वेंटी थाउज़ेंड एनिमल स्पीशीज हैं जो कि रिकगनाइज हैं और साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ रेंज करता है वन मिलीमीटर टू लेस टू लेस टू ट्वेंटी फ़ाइव मीटर इनके पास पैरन कैमर टिश्यज़ होते हैं जो कि मिजोडामली ओरिजिनेटेड टिश्यूज़ होते हैं और ये ट्रिप्लो होते हैं मतलब इनकी तीन टिश्यू लेयर्स होती हैं एक्टोडाम एंड्रोडाम एंड मीजोडाम एसिलोमेट होते हैं मीन्स इनकी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती यूजली फ्लैटेंड होते हैं और डॉसोवेंटली अनसेगमेंटेड होते हैं एक्सेप्ट द सिस्टोडिया इनकी जो क्लास है उसमें ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेड भी होते हैं ये समवर्ड सेविलाइज होते हैं सिविलाइजेशन शो करते हैं मीन्स क्या कि जो सेविलाइजेशन इज बेसिकली कंसनट्रेशन ऑफ़ द गेंगलियन नर्व सेल टू द इंटीरियर एंड इन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन और इनके पास प्रोटोनफ्रीडिया होते हैं दैट आर द स्ट्रक्चर यूज टू इनटेक द फूड एंड द फ्लोड एज वेल इनके ये हाँ होते हैं इनके पास कम्प्लेक्सो कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है um, और मैफ्रोडाइट के क्या मतलब इन ए, इनके जो दोनों सेक्सेस हैं वो एक ही इंडिविजुअल्स में होते हैं मतलब ओवरी और टेस्ट अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको फर्दर फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है क्लास टबुलेरिया क्लास मोनोजीना एंड क्लास ट्रिमोडोडा एंड क्लास सिस्टोइडिया और इनकी जो दो क्लासेस हैं क्लास ट्रिमोडोडा एंड क्लास सिस्टोइडिया दैट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टू सब सब क्लासेस दैट इज द सब क्लास एस्पीडोग्ट्रिया एंड क्लास सब क्लास डाइजीनिया आर सब क्लासेस ऑफ ट्रीमोटोडा एंड सब क्लास सिस्टोडेरिया एन क्लास सब क्लास सिसिया यू सिसोडा आर द टू सब क्लासेस ऑफ क्लास सिस्टोडिया तो इस तरह इसकी क्लासिफिकेशन है टोटल चार क्लासेस हैं और इनकी दो जो क्लासेज हैं वो फर्दर दो दो सब क्लासेज में डिवाइड हुई हुई हैं अब हम जो है वो इसकी जो फर्स्ट क्लास है क्लास टर्बुल एरिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं क्लास टर्बल एरिया यहाँ पे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं है, ये मोस्टली जो है वो फ्री लिविंग होते हैं और ये बॉटम डिलर होते हैं फ्रेश वाटर और मेरीन इन्वायरमेंट में कुछ टेस्टियल टर्बुलेरियन भी हैं इसमें जो कि ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरियाज़ में रहते हैं और ये टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं क्योंकि इनके एपिडर्मस के पास सीलिया होते हैं सीलिए सेल्स होते हैं तो उनकी बीटिंग की वजह से ये टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं इनकी जो टोटल रिकगनाइज स्पीशीज़ की बात करें इस क्लास में तो थ्री थाउजेंड डिस्क्राइब स्पीशीज़ हैं ये फीडिंग लाइफस्टाइल की बात करें या तो ये प्रीडेटर होते हैं या स्केवेंजर होते हैं प्रीडेटर मीन्स ये प्रे करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं और स्कैंजर का मतलब कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं कलरेशन ये शो करते हैं जो कि यूजुअली ब्लैक ब्राउन या ग्रे होती है लेकिन कुछ मेम्बर्स जो हैं वो ब्राइटली कलर्ड पैटर्न भी शो करते हैं लेकिन यूजली हम जो कॉमनली देखते हैं वो उनके ब्लैक ब्राउन या ग्रे जो है वो कलर ही होता है नाउ कम्स टूअर द बॉडी वाल इनकी जो बॉडी वाल की देखें तो इसकी इनकी जो है वो तीन टिशू लेयर्स होती हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एपिडर्मस या एक्टोडर्म एक्टोडम के पास जो है वो सिलियेटि सेल्स होते हैं ठीक है और इनके पास ग्लैंड भी होते हैं कुछ जो कि फर्दर्स की मूवमेंट अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सेल्स हैं वो सिलिएटेड सेल्स हैं और ये जो रेपडाइट्स हैं बेसिकली इसके पास ये रॉड लाइक सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस शीट्स क्रिएट करते हैं दैट इज़ यूज फॉर जो फर्दर मूवमेंट के लिए इनके स्मूथ ट्रैक प्रोवाइड करते हैं ठीक है न्यूक्लियेटेड सेल्स भी इनके पास होते हैं इसके नीचे एक्टोरामस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो बेसिकली एपिडर्मस और मीज़ोडाम को जो है वो सेपरेट करती है उसके नीचे बिल्कुल बिल्कुल जो है वो सर्कुलर मसल्स होते हैं दैट आर ऑफ़ द दा मीज़ोडाम और इसके पास जो है वो लॉन्गिट्यूटर uh, मसल्स भी होते हैं डॉसोवेंटर मसल्स भी होते हैं और डाइग्नल मसल्स भी होते हैं जो कि ओब्लिकली जो है वो अरेंज होते हैं ये देखें आप ये डाइग्नल मसल्स हैं डोसोवेंटल ये जो ये आप देख सकते हैं और ये जो डॉटर दरमियान में शो किए हुए हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं सो दैट इज़ अबाउट द बॉडी वॉल अब हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसकी तीन लेयर हैं एक्टोडाम एंडोडाम और मिजोडाम एक्टोडाम जो है वो सबसे आउटर होगी एंडोडाम बिल्कुल जो है वो अंदर वाली होगी और मिज़ोडाम इन दोनों के दरमियान होगी जो एंडोडाम होती है उसके पास एक कैविटी होती है दैट इज़ द डाइजेस्टिव कैविटी इसको सिलोंग के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना ये डाइजेस्टिव कैविटी है सिलोंग नहीं है इनकी बॉडी कैविटी ये वाली नहीं है ओके okay, अब जो हमने एपिडर्मस की बात की थी तो इसके पास कुछ ग्लेंस होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं इनके पास एडेसिव ग्लैंड होते हैं ये जो एडेसिव ग्लैंड होते हैं ये इसकी जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि इसकी जो है वो अटैचमेंट क्रिएट करवाते हैं या तो प्रे प्रे के साथ या फिर किसी भी सबस्ट्रेट के साथ प्रे के साथ इसलिए अटैचमेंट होती है ताकि उन पर फीड कर सकें और किसी सबस्ट्रेट के साथ भी ये अटैच कर सकते हैं फॉर द रेस्ट और इसी तरह डेसी ग्लैंड की तरह इनके पास रिलीजर ग्लैंड्स भी होते हैं जो रिलीजर ग्लैंड्स होते हैं वो केमिकल रिलीज़ करते हैं जो उनकी अटैचमेंट क्रिएट हुई होती है वो उसको ख़त्म करें और ये फर्दर मूवमेंट कर सकें अच्छा मूवमेंट की बात करें तो इनका एक्टिव लाइफ स्टाइल होता है बायोलेट्रेस मिट्री इनके पास होती है और प्राइमली ये बॉटम डर होते हैं या फिर ये ग्लाइड करते हैं सबस्टेड के ऊपर वाटर इन्वामेंट पर मूव कैसे करेंगे सीलिया के थ्रू ये मूव करेंगे और मस्कुलर एंडुलेशन भी होती है इनमें मसल सेल्स इनके पास होते हैं ये क्या करते हैं जो हमने बात की थी रब के पीछे जो कि अब रीजन में जो है वो ग्रेन होते हैं या सेल्स होते हैं तो वो म्यूकस चीत जो है वो स्क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर जो कि अडयन में भी हेल्प करती है और सीलिया को एक प्रॉपर स्मूथ ट्रैक भी प्रोवाइड करती है ताकि उस पर मूव कर सकें और इनका अगर हम ऐसे एक एनिमल ऐसे में बात कर रही हूँ तो ये जो इसका नीचे वाला सरफेस है ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल सरफेस है ठीक है तो वेंट्रल सरफेस में सिलिया बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं ठीक है तो ये जो सीलिया कंसनट्रेटेड होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा इसका एक आप कह लें ये अडेप्टशन है तो कि इनकी जो मूवमेंट हो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से हो तो ये इस तरह ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं फिर उसके बाद इनकी डाइजेस्टिव डाइजेशन uh, uh, या न्यूट्रिशन की बात करें तो डाइजेस्टिव कैविटी इनके पास होती है जो कि सिंपल से ब्रांच और हाईली ब्रांच भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकती हैं इनके पास डिजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द फेरेंगस वो भी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल से स्लेटरी uh, ट्यूब और फिर आगे कम्प्लेक्स आर्गन की तरफ जो इवाल्व है मतलब कि ये भी सिंपल टू कम्प्लेक्स हो सकता है कार्नी होते हैं या तो दूसरे ऑर्गनिज्म पर फीड करते हैं स्केवेंजर होते हैं या फिर हर्बी हाँ होते हैं फूड डाइजेशन जो यूजली एक्स्ट्रा सेलर होती है बेसिकली जो फ्रेंजियल ग्लैंड्स होते हैं सबसे तो पहले फूड फेरिंग्स में आता है वहाँ पे फ्रेंजियल ग्लैंड्स होते हैं ये वाले जो ग्लैंड होते हैं ये इसकी पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को अब जो पार्शली डाइजेस्टिव फ़ूड है फिर आगे डाइजेस्टिव कैविटी में जाता है जो कि एंडोडर्मस में एंडोडर्मस में होती है वहाँ पे जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो इंगल्फ कर लेते हैं वो पार्शली डाइजेस्टिड फ़ूड को और डाइजेशन कम्प्लीट होती है इंट्रासेलर वेजिकल जो बॉडी के अंदर होती है एंड्रोडामस रीजन में और वहाँ पर जो फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और फिर ये एबजॉर्व कर लेते हैं इनके पास कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता ठीक है कोई आ, इस तरह का ऑर्गन नहीं होता गैस एक्सचेंज यूजली डिफ्यून के थ्रू ही होती है क्योंकि ज़्यादातर जो वाटर इन्वा या फ्रेश वाटर में होते हैं और वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ये चीज़ें जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है एक्सशन भी ज़्यादा डिफ्यून के थ्रू होती है लेकिन इनके पास नेफ्रीडियो पोर्स भी होते हैं जो कि इनकी जो है वो एक एक्सट्री ओपनिंग होती है विल डिस्कस फर्दर कि वो किस तरह के होते हैं और ये फ्रेश वाटर या मेरे इन्वायरमेंट में हो होते हैं सारी चीज़ें अच्छा ये हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो है वो प्रोटोन एफिडिया इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी की लेंथ में जो है वो रन रहा होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी बॉडी की लेंथ साइड लेंथ में ये रन रहे होते हैं ठीक है ये ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कैसे किस तरह फंक्शन प्रोवाइड करते हैं वो हम देख लेते हैं अच्छा जो फर्स्ट स्टेप है इसमें जो इसके पास सीलिया होते हैं ट्यूब्यूल्स होती हैं फ्लेम सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस वैरा होते हैं तो जो बीटिंग होती है सीलिया की वो काज करती है कि इंडस्ट्रीशियल फ्लूड्स फ़िल्टर हो ठीक है जो सीलिया पीट करते हैं तो ये बेसिकली फ़िल्टर कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीशियल फ्लूड को जो कि फ्लेम सेल की ओपनिंग इंटर हो रहा होता है ठीक है अब जो ये फ्रिड है ये ट्रैवल करता है इसके अंदर ट्यूबेल्स होती हैं तो ट्यूबेल्स में ये ट्रैवल करता है और वहाँ उन ट्यूब ट्यूबेल्स में ज़्यादा जो सल्यूर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ठीक है और जो एक्सेस वाटर होता है और वेस्ट होता है वो इसी जो इन्हीं जो प्रोटोनफीडिया इनके पास एक एक्सक्रीटरी ओपनिंग होती है नेफिडियोपोर उसके थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं तो इस तरह इनकी एक एक्सक्रीटरी ओपनिंग भी होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये लेंथ वाइज ये जो स्ट्रक्चर है ये रन कर रहे होते हैं इसी तरह एनिमल्स में ये जो है ये जो वो रन कर रहे होते हैं ये एक पूर, पूरा पूरा है ये दूसरा है और ये तीसरा है इस तरह जो है वो ये पूरे स्ट्रक्चर्स रन कर रहे होते हैं बॉडी की लेंथ वाइज अच्छा नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी जो है वो कम्पलेक् सिंपल टू कम्प्लेक्स हो सकता है गेंगलियन इनके पास होते हैं बेसिकली जो इनके पास सबसे प्रिंट जो नर्वस सिस्टम है वो ऑर्डर ऑस्ट्रीलिया में था इसमें जो इंटीरियर स्टेटस स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के, के इंटीरियर एंड पे होता है ठीक है और ये जो आ, जो स्ट्रक्चर्स होता है ये बेसिकली मकैनो रिसेप्शन करता है मकैनो रिसप्शन क्या कि प्रेशर का जो स्टिमुलस होता है उसको ये आ, मतलब कि और रिकोगनाइज करता है ठीक है और बॉडी की जो पोजिशन है रिलेटिव टू द ग्रेविटी ठीक है उसको जो है वो ये मेंटेन करने में हेल्प करता था अब जो इनके उससे फर्दर एवोल्यूशन होगी तो हमारे पास जो है वो पॉल क्ले राइडा जो है वो एक ऑर्डर है उसमें एवोल्यूशन हुई और वहाँ पे जो है वो दो नव कार्ड और एक सैरिबल गैंगलिया इसकी इंटीरियर जो बॉडी की सेंट्रल रीजन में ये देखें ये सैरिबल गेंग्लिया और दो इसकी जो है वो ये नाव कार्ड आगे से रन कर रही होती है तो ये भी जो है वो आ, आ, जिस एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अब इसके बाद जो फर्दर इसमें जो है वो एवोल्यूशन हुई और इनके पास जो है वो सैरिबल गंग्रिया ये और आगे दो नव कार्ड और इसके आगे से जो है वो ब्रांच जो है वो नव जो है वो, वो, वो यहाँ पे है तो एक लैडर लाइक अपेरेंस प्रोवाइड करते हैं वो वो मतलब कैसे होती है सी तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है वो सबसे पहले ना जो गेंगलिया है वो इंटीरियर एंड भी हो रहा है जो वो कंसनट्रेट हुए होते हैं उनसे दो नाव कार्ड लीज जो वो बनती हैं और आगे से जो है वो इनकी जो वो ब्रांचेस है वो ब्रांचेज होती हैं नाव सेल्स की और वो इस तरह अरेंज हुई होती है कि लेडर लाइक -like अपेरेंस शो करती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेडर लाइक -like अपेरेंस है और इनके पास जो है वो वो भी होती हैं ये वाले जो दो स्टॉ स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं ब्लैक कलर के ये ऑरिकल्स होती हैं ठीक है और ऑरिकल्स जो है वो जस्ट लाइक आइज इनका फंक्शन होता है और किस तरह के स्टिमुलस लेते हैं ये जो है वो स्टिमुलस बेसिकली टच के होते हैं ठीक है वाटर क्रांट और केमिकल्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे जो जो टच के रिसेप्टर्स होते हैं ना सिर्फ इनके जो है वो इंटीरियर uh, एंड पे होते हैं बल्कि पूरी बॉडी में जो है वो uh, ये स्प्रेड uh, हुए होते हैं और ये टच के रिसेप्शन कर सकते हैं औरिकल्स जो इनके पास होती हैं बेसिकली ये जो हेड की साइड्स पे होती हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये साइड्स पे हैं ठीक है और ये एड करती हैं फूड की लोकेशन वगैरह की जो है वो डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं कुछ ऐसे जो टर्बल होते हैं उनके पास दो सिंपल आई स्पॉट्स होते हैं इन की जगह और नोसिल् कहते हैं ये ओसीलिया जो है वो ऑर करती है एनिमल्स को वाट लाइट की डायरेक्शन में ठीक है इनके पास कप लाइक डिप्रेशन होता है और जो है वो यहाँ पे नर्व्स एंडिंग होती हैं और जो नर्व एंड हो रही होती है उनका एक डिप्रेशन में बेसिकली वो नर्वस सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हो रही होती हैं तो इस तरह ये कोऑर्डिनेट करते हैं नाउ कम्स टू बात द रिप्रोडक्शन इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो है वो ए सेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं ए के में जो है वो इनकी ट्रांसफर्स फिशन होती है ठीक है ये देखिए ट्रांसफर सेक्सिस में जो है वो ये एक Organism, जो वो दो में डिवाइड हो रहा है। जो दो आगे से बनते हैं वो होते हैं ठीक है और उनके जो पार्ट्स नहीं होते वो फिर आगे से उन्हें रीजनरेट कर कर लेते हैं तो इनमें ट्रांसफर्स चाहे वो फिशन होती है ऐसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके पास जो है वो ये मोनोशियस होते हैं लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन एज ए रूल होता है ताकि ज़्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी इनमें आ जाए ठीक है तो एक ही ऑर्गेनिज्म में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टस होते हैं और ये लेंथ बॉडी की लेंथ में जो है वो रन कर रही होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंशन है टेस्टिस ब्लू कलर की ये कितनी ज़्यादा है और टेस्टिस आगे से लन किस में जो है वो रन कर रही होती है किस में लीड कर रही होती है स्पम डक में और स्पम डाक आगे से सेमिनल वेजिकल में फिर पैनस में और यहाँ पे जो पेनस में क्या आगे क्या है जेनेटल चैम्बर है इसी तरह अगर ओवरी ओवरी पे ज़्यादातर जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में और फिर आगे से वो लीड करती है ओवरी ठीक है और ओबीडॉक्ट्स में आगे जॉक लैंड होते हैं विटलेरिया और यहाँ पे आगे कपलेट्री सैक होती है ठीक है और जेंटल पोर होते हैं अब हम देखते हैं कि इनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में जो पेनस होते हैं हर इंडिविजुअल के वो इंसर्ट कर लिए जाते हैं में कपलेटरी सैक में ये जो कपलेटरी सैक यहाँ पर पे मैंशन की गई है इसमें इंसर्ट करते हैं और कपलेशन के बाद जो है वो मूव करते हैं कपलेट्री सैक टू द जेनिटल चैम्बर ठीक है जेनिटल चैम्बर की तरफ ये मूव करते हैं और वहाँ से आगे ओवीडाट और फिर ओवीडाट से आगे ओवरी में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ठीक है और यॉक जो है वह एक्टिफॉर्मेशन के दौरान ही जो है वो मतलब कुछ में जो है वो इंसर्ट कर दी जाती है लेकिन कुछ में ऐसा क्या होता है कि जो यॉग सेल्स हैं वो जैगॉर्ड बनने के बाद उसको सराउंड कर ले होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो यॉग इंसर्ट की जाती है ठीक है और ये ये एग्स हैं वो ले डाउन किए जाते हैं इसी तरह या फिर इनके साथ जेल लाइक मैस होता है ठीक है जो जेल लाइक मैस होता है उसको फर्दर जो मतलब प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और कैप्सूल की फॉर्म में मतलब पूरे सेग को रिलीज़ किया जाता है ठीक है उस कैप्सूल को हम कोकॉन कहते हैं अब कोकॉर्न भी आगे से दो टाइप के होते हैं ठीक है एक हमारे पास होता है समर कोकॉन ठीक है समर जो हमारे पास कोकॉन होता है ये कैप्सूल होता है वो टू टू थ्री वीक्स के बाद हैच हो जाता है और एक न्यू जो एम्ब्रियो बनता है और उसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है और एक एडल बनता है लेकिन जो आटम होता है वो वो जो आटम कैप्सूल्स होता है उसके पास एक थी कॉल होती है और कितनी भी जो है वो डाइवर्स एडवर्स जो कंडीशन होती हैं उनको ये बेयर करता है ड्राइंग होगी फ्रीजिंग होगी और फिर उसके बाद जो है वो ओवर विंटरिंग के बाद ये हैच करता है और डेवलपमेंट होती है इनका जो लावा होता है उसे मुलर लावा कहते हैं तो इस तरह इनकी जो है वो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होती है that was all about uh today's lecture uh, that was about phylum platyhelminthes and its, its first uh, glass glass double area you can ask me in comment section i i hope i cleared your all concept thank you so much for watching my video if you really like the video please like comment and subscribe my channel thank you